हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। किसी का भाई किसी की जान नाम की मूवी आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जिसमें लीड में अपने भाईजान सलमान खान और बाकी सारी सपोर्टिंग कास्ट है। तो कैसी है ये मूवी, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो पहले बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की। ये मूवी ऑफिशियल एडेप्टेशन है अजित स्टार वीरम मूवी का। सो ओरिजिनल मूवी से काफ़ी हटके है ये मूवी, सिर्फ थोड़ा सा प्लॉट इन्होंने इस मूवी से अडॉप्ट किया है। मूवी सलमान खान के कैरेक्टर भाईजान पर फोकस करती है। हाँ, आप सही सुन रहे हो, मूवी में सलमान सर का नाम भाईजान है। इनके तीन छोटे भाई हैं, लव, इश्क और मोह। अब इन तीनों की परवरिश के लिए भाईजान ने अपना पहला प्यार भाग्या को छोड़ दिया। इसकी वजह से भाईजान ने कभी शादी नहीं की, लेकिन इनके तीन भाइयों को हो जाता है प्यार। बट प्रॉब्लम यह है कि अपने बड़े भाई की शादी के बिना ये शादी नहीं करेंगे। फिर ये तीनों भाग्य को ढूंढने जाते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि आज भाग्य के बेटे की शादी है। सो अब ये करेंगे क्या? इनकी इस प्रॉब्लम में एंट्री होती है एक और भाग्य की, जिसको प्ले किया पूजा हेगड़े ने। अब ये भाग्य एक साउथ इंडियन लड़की है जिसके भाई को वायलेंस पसंद नहीं है, और हमारे भाईजान इंसानियत के खातिर वायलेंस करते हैं इस मूवी में। अब इन दोनों के बीच कैसे होगा प्यार, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। अब जो भी सलमान भाई के फैंस है उनके लिए मूवी एक ट्रीट जैसी है, जिसमें सलमान सर का स्टारडम, एक्शन, डायलॉग बाजी और थोड़ा बहुत ह्यूमर है। लेकिन इस फैक्टर को अगर हम मूवी से निकाल दें तो मूवी में कुछ नहीं है। भाईजान की तीनों भाइयों ने काफ़ी घटिया एक्टिंग की है और बाकी के कास्ट ने भी काफ़ी वीक एक्टिंग की है, सिर्फ वेंकटेश सर और जगपति बाबू को छोड़कर। मूवी की स्टोरी के साथ साथ इसका स्क्रीन प्ले, डायलॉग और गाने सभी काफ़ी वीक थे, सिर्फ BGM अच्छा था और बिल्ली बिल्ली गाना। मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और कैरेक्टर बिल्डिंग में चला जाता है, और सेकेंड हाफ में हमें जबरदस्ती का इमोशन दिखाया जाता है जिसे इन्होंने बिल्ड ही नहीं किया। मूवी कुछ जगह पर काफ़ी सुस्त लगती है तो कुछ जगह पर काफ़ी भगाई हुई, और क्लाइमेक्स वाली फाइट जो विजेंद्र सिंह और भाईजान के बीच होती है, मैंने इससे घटिया क्लाइमेक्स और फाइट अभी तक नहीं देखा। मतलब विजेंद्र सिंह भाईजान के सर को अप्रोक्स 5 से 6 बार पत्थर से मारते हैं और भाईजान उसी टूटे हुए सर से विजेंद्र सिंह को मार देते हैं। बाप रे, पूजा हेगड़े और सलमान सर की केमिस्ट्री काफ़ी वीक थी। ओवरऑल ये एक वन टाइम वॉच मूवी है अगर आप सलमान सर के फैन हो तो। बाकी मुझे तो अब डर इस बात का लग रहा है कि भाई हेरा फेरी 3 का क्या होगा, जिसे खुद फरहाद सामजी डायरेक्ट कर रहे हैं। अब हेरा फेरी 3 तो भगवान भरोसे ही है। किसी का भाई किसी की जान मूवी में चेंजेस करने से अच्छा ये मूवी पूरी सेम टू सेम वीरम जैसी ही बना देते तो अच्छा होता। फरहाद सामजी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस मूवी के इंटरवल जैसा इंटरवल अभी तक बॉलीवुड के किसी भी मूवी में नहीं देखा होगा। भाई अच्छा हुआ ऐसा इंटरवल अभी तक किसी भी मूवी में नहीं है, और इस सीन में जो एडिटिंग इन्होंने की है, इतनी खराब एडिटिंग कौन करता है भाई। तो दोस्तों, ये थे हमारे विचार किसी का भाई किसी की जान मूवी के बारे में। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जब किसी नॉन वायलेंट आदमी के पीछे एक वायलेंट आदमी पड़ जाए, उस नॉन वायलेंट आदमी के सामने एक बहुत ही वायलेंट आदमी का खड़ा होना जरूरी है।